मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो संडे का दिन है, सुबह के बज रहे हैं ठीक 11। और आज करीब एक डेढ़ हफ्ते बाद ना मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। लाइक कि मैंने आपको बताया था, पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड उसके बाद पता है क्या हुआ, तबीयत तो ठीक हो गई लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, जिस वजह से ना मुझे ना तो कोई काम हो रहा था मुझसे और बस मैं सो ही रह रही थी। मतलब पूरा दिन ना मैं बेड पर लेटी रहती थी, कुछ काम करने का मन नहीं करता था, भूख भी नहीं लग रही थी। उसके बाद अगेन मैं डॉक्टर पे गई, फिर से मेडिसिन ली और अब जो है मैं बहुत अच्छी हो चुकी हूँ, बहुत ठीक हो गई हूँ। बहुत दिनों बाद अच्छा भी फील कर रही हूँ कि मुझे वो सब चीज़ें नहीं हो रही है। सुबह का टाइम है, सुबह तो क्या है 11 बज चुके हैं और बाहर एकदम कोहरा लगा हुआ है, बिल्कुल धूप का कोई भी मतलब नामो निशान नहीं है। अभी धूप का कुछ नहीं पता कि धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि नॉर्मली जो है ना 11:30 तक धूप निकल जाती है, बट अभी तक तो कोई ऐसे लग नहीं रहे आसार। अभी दिखाऊंगी आपको बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। और सुबह से ना 2 बार की चाय हम लोग पी चुके हैं, एक बार सुबह 8:30 बजे जो है मैंने अपने लिए बनाई थी एंड उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले की बात है हम लोगों ने फिर से चाय पी। और अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि बच्चे बस अभी उठे, आज संडे था ना तो लेट उठे और अभी उठ के बैठे हैं अपना ब्रश वगैरह करके। तो मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ किचन में और नाश्ते में मुझे सिर्फ पराठे बनाने हैं क्योंकि कल रात मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, तो वो सब्ज़ी जो है बची हुई है क्योंकि कल रात किसी ने इतने अच्छे से खाना खाया नहीं, तो सब्ज़ी बची हुई है, बस पराठे मुझे बनाने हैं। और घर का थोड़ा बहुत काम जो है वो मेरा जो है सुबह से शाम तक चलता रहता है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको ना बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ कि कितना कोहरा हो रहा है। मतलब अभी ये हाल है कि हमें सामने वाला जो सोसाइटी है ना उस तरफ वो नहीं दिख रही है एंड इतना कोहरा और ठंडा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए पहले आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो ये है 11 बजे का मौसम और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। नॉर्मली डेज़ में जो है 11 बजे कितनी अच्छी धूप निकल जाती है लेकिन आजकल तो धूप निकलने का मतलब बहुत कम चांस होते कि धूप निकल जाए। और यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में, तो सबसे पहले जो है ना ये जो घी है जो मैंने रात को बनाया था एक दिन पहले नाइट में, तो मैंने ना उसको स्टील के बॉक्स में नहीं रखा था तो उसको मैं पिघला रही हूँ अगेन, वो जम चुका है बिल्कुल अच्छे से। उसको पिघला के जो है मैं स्टील के बॉक्स में रख दूंगी एंड उसके बाद जो है ना मैं बनाऊंगी पराठे। तो ये देखिए घी जो है ना पिघल रहा है, अभी पूरा नहीं पिघला है, गरम गरम बना के रख दो तो सही रहता है लेकिन मैंने एक दिन पहले बनाया और आलस कर दिया थोड़ा सा, जिस वजह से जो है ना फिर मुझे नेक्स्ट डे इतनी मेहनत करनी पड़ी इसके साथ। तो यहाँ पर मैं इसको छान के अच्छे से जो है रख लूँगी बॉक्स में। और अब शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म पराठे बनाने के। तो यहाँ पर जो है ना मैं पराठे बना रही हूँ और अब जो है वैसे जब मेरा मन करता है तो मैं काउंटर टॉप पे रख के भी जो है रोटियाँ बेल लेती हूँ पराठे, लेकिन अभी जो है ना अब मैं चकले में ही बेलती हूँ। इससे ये होता है कि काउंटर टॉप गंदा नहीं होता है, मेरी मेहनत जो होती है ना क्लीन करने की वो थोड़ी सी बच जाती है। तो अब मैंने जो है चकले में रोटियां बनाने स्टार्ट कर दिया है और ये वही चकला है जो काउंटर टॉप का पत्थर बचा था ना, तो मैंने उसी से जो है उसी टाइम पे ये बनवा लिया था। तो यहाँ पर पराठे बन चुके हैं, वंशिका को मैंने दे दिया है पनीर पराठा लेकिन वेदांश को खाना है जैम रोल। तो यहाँ पर मैंने उसके पराठों में ना अच्छे से जैम लगा दिया है और जैम लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ बिल्कुल हल्का हल्का सा नमक इसके ऊपर डालूंगी, तो मीठे के साथ जो नमक का टेस्ट है ना वो अच्छा लगता है। तो बिल्कुल हल्का सा नमक मैं इसको अच्छे से डाल दूंगी और फिर रोल बना के दे दूंगी, तो वो खुशी से जो है ना ये खा लेता है और बच्चे खुशी से खाना खा लें, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने दोनों को खाना दे दिया है, आराम से बैठ के खा रहे हैं। बिस्तर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं समेटा है क्योंकि अभी अगेन नाश्ता वगैरह करने के बाद ना ये फिर से रजाई के अंदर चले जाएंगे, तो इसीलिए वो बिस्तर जो रजाई है ना वो वैसी की वैसी ही है। तो बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं आ चुकी हूँ बालकनी में कपड़े डालने के लिए। धूप तो नहीं निकल रही है लेकिन फिर भी कपड़े डाल रही हूँ, धूप ना सही हवा ही लग जाए थोड़ी सी तो थोड़ा बहुत जो है कपड़े अपना 50% तक सूख जाएंगे। तो यहाँ पर बस फटाफट से सारे कपड़े डाल लूँगी, एक दिन धूप निकलती है 2 दिन फिर से वही सेम मौसम हो जाता है, बड़े परेशान हो गए हैं अब इस मौसम से।
और ये है हमारा सिंपल सा नाश्ता, पराठे, पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी कह लीजिए, और साथ में थोड़ा सा अचार। तो जी शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आज है ना दोपहर में मैंने लंच नहीं बनाया, तो बहुत तेज भूख लगी है इस टाइम पे। तो मैं नीचे जा रही हूँ सोसाइटी शॉप पे कुछ लेने के लिए, मुझे कुछ सब्जियाँ भी लेनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ सब्जियाँ भी लेके आ जाऊँगी और कुछ खाने के लिए मिलेगा तो वो भी लेकर आऊँगी। तो चलिए मार्केट चलते हैं, पहले कुछ लेकर आ जाते हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मन नहीं कर रहा था निकलने का पर मजबूरी है। तो मैं आ चुकी हूँ सारा सामान लेकर, और ये लिया है मैंने नूडल्स और साथ में लाई हूँ पैटीज गरम गरम। फटाफट से बस ऊपर चले जाऊँ, फिर खाने पे टूट पड़ेंगे, बहुत तेज़ भूख लग रही है। बच्चे को तो मैंने फिर भी कुछ खिला दिया था, लेकिन हमने दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। एंड ये होता है ना सर्दियों का इवनिंग का टाइम है, तो इस टाइम पर भूख लग जाती है। तो चलिए हमारा फ्लोर भी आ गया है। कुछ तो लाई हूँ, कुछ तो दरवाजा बंद कर दो। तो यहाँ पर जो है मैं ले आई हूँ गरम गरम नूडल्स, तो बच्चों को तो सिर्फ नूडल्स ही दूंगी, पैटीज वगैरह उनके लिए नहीं लेकर आई हूँ। और वैसे भी उन्होंने जो है ना दोपहर में खाना खा लिया था, लेकिन नूडल्स देख के तो फिर आपको पता ही है कि बच्चों को नूडल्स दिख जाए ना तो पेट कितना भी भरा हुआ हो खाने के लिए वो आ ही जाते हैं। और बहुत देर से वेट कर रहे थे, और ऐसा होता है कि जितनी बार मैं मार्केट जाती हूँ ना उतनी बार उनको कुछ ना कुछ ऐसा लगा होता है कि मम्मा मार्केट जाएगी तो वहाँ से कुछ ना कुछ हमारे लिए लेकर आएगी। तो बस इसी आस में दोनों के दोनों बैठे हुए थे, और यहाँ पर नूडल्स मैंने सर्व कर दिए हैं, दोनों को दे दिए हैं, और अपने लिए इसमें जो है गरम गरम पैटीज़ मैं निकालूंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी जब हम लोगों ने खाया ना, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, और ठंड में ये चीज़ें खाने में मज़ा आता है। हालांकि बहुत अनहेल्दी है खाना मुझे पता है, और मेरी तबीयत भी अभी ठीक हुई है, मुझे खाना नहीं चाहिए, लेकिन वही है कि जब भूख लगती है ना तो फिर ये नहीं दिखता है कि क्या है क्या नहीं, बस जो मिला वो खा लो। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ, अब हम लोग आराम से मूवी इंजॉय करते हुए अपना जो ये शाम का नाश्ता है इसको इंजॉय करेंगे। और अब आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। हालांकि इतनी भूख किसी को थी नहीं, लेकिन यह है कि फिर भी जिनको रात को रोटी और सब्जी की आदत होती है ना, तो उनको रोटी सब्जी चाहिए होती है, चाहे वो एक ही खाएं, तो फिर भी जो है बच्चों की वजह से बनाना ही पड़ता है खाना। तो आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्जी और रोटी। तो ऐसा था कि भूख तो ज़्यादा थी नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा आलस भी आ गया सब्जी बनाने में, क्योंकि जब खुद को भूख नहीं होती है ना तो खाना बनाने में आलस आ जाता है। तो आज मैं शॉर्टकट में सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, और उसमें मैं लगाऊंगी थोड़ा सा राई का तड़का, और जैसे ही राई अच्छे से भून जाएगी मैं इसमें आलू मटर टमाटर और लहसुन जो मैंने एक साथ मिक्स कर दिया था, मतलब लहसुन को मैंने क्रश करके डाल दिया था और टमाटर को ना मैंने आलू मटर में ही कट कर दिया था, तो वो सब मैंने इकट्ठे कट करके जो है डाल दिए हैं प्रेशर कुकर में। और साथ में जो है हमारा बेसिक मसाला ऐड कर दिया है। 2-3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद मैं ऐड कर दूंगी पानी, और उसके बाद इसमें सीटी लगा दूंगी। तो 3-4 सीटी लगने पर सब्जी बनके जो है तैयार हो जाएगी। शॉर्टकट सब्जी है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है, बहुत जल्दी बनती है, लेकिन यकीन मानिए खाने में टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, कोई ख़राब नहीं रहता है। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, जब कभी शॉर्टकट में सब्जी बनाने का मन होना तो इस तरीके से बना सकते हैं। और साथ ही जो है यहाँ पर मैंने गूंद लिया है आटा, तो आटे को जो है मैं गूंद के रख दूंगी सेट होने के लिए 10-15 मिनट तक। तब तक थोड़ा सा किचन काउंटर टॉप है जो उसको क्लीन कर लेती हूँ, एंड उसके बाद थोड़े से जो बर्तन है जो हमने नूडल्स वगैरह खाए थे और उसके बाद हमने चाय भी पी थी, तो उसी के जो ये थोड़े बहुत बर्तन हैं इनको मैं हाथ के हाथ वॉश करके रख लूँगी, ताकि नाइट के लिए जो है ज़्यादा बर्तन ना हो, और इतनी देर में जो है ना आटा भी सेट हो जाएगा रोटियाँ बनाने के लिए।
अब सब्जी वगैरह जो है बन चुकी है और अब मैं बनाऊंगी फटाफट से गरम गरम रोटियां, और जितनी भी थोड़ी बहुत भूख है ना सबको गरम गरम खिला दूंगी, तो मेरा ये वाला काम निपट जाएगा। ज़्यादा देर ठंड में जो है ना मुझे किचन में रहना नहीं पड़ेगा, तो बस फटाफट से सबके लिए यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लूँगी और अपने इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पर करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड ब्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।